अपनी बालकनी और पोर्च में रखे हुए पुराने प्लांटर से अगर आप लोग भी बोर हो चुके हैं तो ये नए तरीके के प्लांटर बनाना सीखें। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और इससे आपकी बालकनी में चार चांद लगने वाले हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल भावना क्राफ्ट कैफे। आई होप आप सब लोग भले चंगे होंगे। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी स्टूल वाली वीडियो को इतना प्यार दिया है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं और हाँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरी नई नई वीडियोस का मजा लेते रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूट से प्लांटर बनाना सिखाऊंगी जिसे मैंने बनाया है वेस्ट मटेरियल से। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके डाले हैं। सबके पॉसिबल नहीं थे, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सबका नंबर आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैंने वॉल पुट्टी का डो बना लिया। वॉल पुट्टी में आपको सिर्फ पानी मिलाना है और जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसका डो बनाना है। मैंने यहाँ पर एक कप लिया है जिसका साइड से किनारी टूट चुकी थी, बट इसका हैंडल सही सलामत था तो मैं इसे चाय के लिए तो यूज़ कर नहीं सकती थी, बट मैंने सोचा इसका रीयूज करके कुछ क्राफ्ट बना लिया जाए। अब जैसा कि वीडियो में आपको कुछ शेप्स दिखाई जा रही हैं जो कि डो से बनी हुई हैं, तो वैसे ही शेप्स तैयार कर लेनी है सारी। ये कुछ टायर की शेप्स तैयार हो रही हैं। अब टूथपिक की हेल्प से हम हैंडल तैयार करेंगे स्कूटर का। इन पार्ट्स को पेस्ट करने के लिए आप या तो हल्का सा पानी लगा लीजिए या फिर हल्का सा फेविकोल भी यूज कर सकते हैं। अब इनको पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा फेविकोल और पुट्टी का ही छोटा सा डो लेके इसको पेस्ट करूंगी। स्कूटर की हेडलाइट भी मैंने ऐसे ही स्क्वायर शेप में तैयार कर ली है। अब इन सारे पार्ट्स को चिपकाने के लिए आप मोस्टली पुट्टी के डो का ही यूज कीजिएगा। इससे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा।
और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको स्मूथ करते जाइए। और जब ये टायर हल्का सा सूख चुका था तो मैंने इस पे फेविकोल की कैप से थोड़ा सा उभार दे दिया है। अब इन सारे पार्ट्स को अलग अलग ऐसे ही ड्राई होने के लिए रख दीजिए। सब अच्छे से सूख चुके हैं, अब सैंड पेपर की हेल्प से इसको हम रब करेंगे। अब इन सारे पार्ट्स को हम फेविकोल से और पुट्टी की डो की हेल्प से सबको पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने मिड वाला टायर इसमें पेस्ट किया है और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद मैं जो साइड के दोनों टायर होते हैं वो पेस्ट करूंगी इसमें। साइड के भी दोनों टायर और पीछे एक टायर और नंबर प्लेट मैंने पेस्ट कर लिए हैं। मेरे स्कूटर की नंबर प्लेट में तो UP 32 लगता है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि UP 32 किस सिटी की नंबर प्लेट में लगाया जाता है। तो ये स्कूटर अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब मैं इस पर करूँगी एक्रेलिक कलर। मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने इस पर रेड कलर किया है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। हैंडल और टायर के लिए मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और टायर के बीच में मैंने व्हाइट कलर भी यूज़ किया है। कप के अंदर वाला जो ग्रीन पोर्शन है उस पर भी मैंने ग्रीन एक्रेलिक कलर कर दिया है क्योंकि साइड से जो टूटा हुआ था उस पर मैंने पुट्टी का डो लगाया था थोड़ा सा, तो वो दिख रहा था, इसलिए मैंने ओवरऑल उसको ग्रीन कर दिया है अंदर से। अगर आपका अंदर से सही सलामत है तो आप उस पर कोई भी कलर मत कीजिएगा। अब सब कुछ पूरा होने के बाद जो प्रोडक्ट में जान डालता है वो है हमारी वार्निश। वार्निश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कलर छूटने लगता है, इसलिए आप लोग भी वार्निश ज़रूर कीजिएगा। लो जी, मेरा स्कूटर तो तैयार हो चुका है और आप लोग भी अपना स्कूटर जल्दी से तैयार कर लीजिए।
और मैं इसमें आर्टिफिशियल प्लांट ही रखूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपको ओरिजिनल प्लांट लगाया है। बाकी बाद में मैं आर्टिफिशियल ही लगाऊंगी इसमें। तो हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं सेकेंड DIY की ओर। ये DIY भी हमारा वेस्ट मटेरियल बेस्ड है। आई एम श्योर ऐसी प्लास्टिक की बॉटल सबके घर में जरूर होंगी। इस प्लास्टिक बॉटल को मैंने बॉटम पार्ट से कट कर लिए हैं और इसके ऊपर मैं एक स्टिक मास्किंग टेप से पेस्ट कर रही हूँ। अब इस स्टिक पर हम फॉइल पेपर लपेट कर जिराफ की गर्दन बनाएंगे। अब इसमें भी हमें पुट्टी का डो यूज़ करना है और उस पुट्टी के डो की हम थिन लेयर बनाकर हल्का सा पानी लगाकर उसको पेस्ट करते जाएंगे। अब इस बॉटल को हमने पुट्टी की लेयर से पूरा कवर कर लिया है और इस पे हम हल्का हल्का पानी लगाकर इसको स्मूथ करेंगे। सेम ऐसे ही गर्दन और मुंह वाले पोर्शन को भी हम पुट्टी से कवर करके उसको स्मूथ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कान की शेप तैयार कर ली है और दो कान और दो सींग वो भी बना के रेडी कर लेते हैं। अब सारे पार्ट्स को ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद सैंड पेपर की हेल्प से इसको भी हम स्मूथ कर लेंगे। अब नाइफ से और सैंड पेपर से हम इसको मुंह की कट की शेप देंगे। सूखे हुए कान और सींग को भी हम पुट्टी के डो की हेल्प से इस पर चिपका लेंगे और नाइफ से इसको स्मूथ कर देंगे। और इसको भी मैंने पूंछ बनाकर पहले ही पेस्ट कर लिया था। सब कुछ अच्छे से ड्राई होने के बाद अब हम करते हैं इस पे एक्रेलिक कलर।
अब यहाँ पर पैचेस बनाने के लिए डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। मेरे पास डार्क ब्राउन कलर नहीं था तो मैंने ज़्यादा रेड और कम ब्लैक मिलाकर ये डार्क ब्राउन कलर बना लिया है और उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। जब ये एक्रेलिक कलर अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम इस पे वार्निश का कोट अप्लाई करेंगे और उसको भी अच्छे से सुखा लेंगे। लीजिए, ये जिराफ प्लांटर भी बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है और इसमें हम अपनी पसंद के छोटे छोटे प्लांट्स लगाकर अपनी बालकनी को या फिर अपने पोर्च को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाला है आपकी बालकनी को और पोर्च को। आपको इन दोनों DIYs में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।